ओम शांति। ये रोज अंधेरा और सवेरा अर्थात रात और दिन होता है, हाँ वो तो सब देखते हैं जानते हैं, लेकिन इस सृष्टि चक्कर का भी, हमारे अनेक जन्मों का भी, एक रात और एक दिन का चक्कर है जनरेशंस का, तो उसको भी समझना चाहिए। तो हमारे इस अनेक जन्मों का रात और दिन, रात का मतलब है हमारी दुख के जनरेशंस और फिर सुख के जनरेशंस। ये तो गीता में भी है कि शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष अंधियारा मार्ग रोशनी मार्ग, ये गीता के वर्शंस हैं, और ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन ये गीता के वर्शंस हैं। तो ये समझना है कि ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन जब पूरा होता है, एक रात एक दिन ब्रह्मा का, तो एक कल्प ऐसा। और ऐसे ही कहें कि ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष पूरा होता है तो उसको एक कल्प कहा जाता है। तो ये सभी बातें समझने की हैं। जैसे ये चार युग है, तो चार युग, युग किसको कहा जाता है, जो 1250 बरस एक युग का टाइम है, और फिर चार युग मिलाकर करके उसका 5000 बरस का एक कल्प है। तो चार युगों को पूरा होने में 5000 बरस लगते हैं, जिसका एक कल्प, और दो युग दिन में दो युग रात में, तो सभी युगों की इक्वल टाइम है। ऐसे नहीं कहेंगे कि सतयुग का ज्यादा टाइम है, जैसे कई शास्त्रकार समझते हैं कि सतयुग की आयु ज्यादा है, त्रेता की कुछ उससे कम, द्वापर की कुछ कम उससे, और फिर कलयुग की उससे कम, परंतु तो ऐसे नहीं है। सभी युगों की जो टाइम है वो एक ही है। तो सतयुग भी 1250 बरस, तो त्रेता भी 1250 बरस, चार युग ही 1250 बरस का एक युग, इसी हिसाब से 5000 बरस। तो 2500 बरस में दिन और 2500 बरस में रात। अभी ये जो टाइम है, इस समय प्रेजेंट, ये कौन सा है, इसको क्या कहेंगे, इसको कहा जाएगा कृष्ण पक्ष, अथवा ये रात ब्रह्मा की रात। अभी ब्रह्मा की रात पूरी होती है, अभी फिर ब्रह्मा का दिन अर्थात हमारी सुख की जनरेशंस चलती हैं। तो इसी सभी बातों को समझना है कि ये हमारे सृष्टि चक्र का भी कैसा नेम है और किस तरह से चलता है। तो ये रात और दिन, यानी दो युग दिन में दो युग रात में, अभी दिन भी पूरा हुआ, रात भी अभी पूरे होने पर है, फिर रात के बाद फिर दिन आना, ऐसे नहीं है फिर खत्म, हाँ परलय हो जाए, फिर रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, ये फिर चलने का है। तो अभी रात पूरी होकर के अभी दिन आने का, दिन माना हमारे सुख के जन्म जन्मांतर, हमारा सुख का अर्थात हमारी सुख की जनरेशन, तो उसकी अभी है ये संगम। अभी इस टाइम को, प्रेजेंट को संगम कहेंगे। ये संगम युग है, जिसको भी पांचवा युग कहा जाता है। इस युग का फिर महत्व है, इसकी आयु छोटी है, ये 1250 बरस युग नहीं चलने का है, संगम की पीरियड टाइम थोड़ा है, परंतु इसको युग न कहें, परंतु वो गीता में लगा है ना, युगे युगे मैं आता हूँ, तो कहीं शायद समझते हैं कि सतयुगे त्रेता युगे द्वापर युगे कलयुगे सभी युगों में आता है परमात्मा, पर तो ऐसा नहीं है, युगे युगे आता हूँ तो मतलब है सभी युगों में आता हूँ, नहीं, युगे युगे का मतलब ही है ये संगम के टाइम पर, यानी ये संगम का टाइम जब जब आता है, क्योंकि ये टाइम फिर फिर रिपीट होकर के आता है ना, इसीलिए युगे युगे कहा। पर तो युगे युगे दो बार कहने का उसका मतलब ये नहीं है कि सभी युगों में, लेकिन यानी संगम युगे जब जब ये कल्प पूरा होकर के, कल्प का अंत और आद का टाइम आता है, तब तब मैं आता हूँ, तो कहने में तो आएगा ना भाई, जब जब
जैसे कहें भाई रात पूरी होकर के दिन होता है, फिर दिन पूरा होकर के रात होता है, तो कहने में आ गए जब जब रात आती है, क्योंकि फिर रिपीट होती है ना, तो कहने में तो आगे ना जब जब रात आती है तब तब ऐसा होता है कहने में। इसी तरह से ये भी फिर रिपीट होकर के ये टाइम आता है, इसीलिए उसको कहा हुआ है कि जब जब ये युग आता है, यानी ये टाइम आता है संगम का, तब उसी संगम युगे युगे आता। तो इसी सभी बातों को भी समझना है। तो संगम तो अभी है ये संगम, चार युग तो कॉमन सब बता भी देंगे, किसी से अगर पूछा जाए कितने युग है तो वहाँ बता भी देंगे भाई सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग ये। लेकिन पांचवा युग जिसको संगम टाइम कहा जाता है ये कोई नहीं समझा, ये परमात्मा आकर करके अपना खास टाइम बतलाते हैं कि मेरा टाइम आने का जो है वो रात का अंत और दिन का आरंभ होने का जब टाइम है तभी मैं आता हूँ। तो अभी ये रात और दिन के संगम का टाइम है, ये टाइम अभी जो प्रेजेंट, इसीलिए परमात्मा कहते इस टाइम पर आकर करके अभी ये अंधियारा का टाइम खत्म करता हूँ और फिर दिन का टाइम अभी जनरेशंस में चलने का है। लेकिन उसके लिए तुम्हारे हाँ कर्म श्रेष्ठ बने, तभी तुम अपने श्रेष्ठ कर्मों की प्रारब्ध अभी फिर उस दिन में अर्थात सुख के दिनों में प्राप्त करो। तो उसके लिए फिर आकर करके ये कर्म श्रेष्ठ की सैपलिंग लगाते हैं, अर्थात हमारे में प्यूरिटी धारण करा कर करके हमारे कर्म को ऊंच करा, क्योंकि कर्म को ऊंच बनाने के लिए हमको प्यूरिटी चाहिए। बिना प्यूरिटी के हमारे कर्म जो है ना वो स्वच्छ नहीं हो सकते। स्वच्छ का मतलब ये नहीं है कि अनाया धोया हाँ अथवा सच बोलते हैं झूठ नहीं बोलते हैं, या इसी से हमारी ये स्वच्छता है। हमको सच का भी नॉलेज चाहिए ना, सच भी क्या है उनका भी ज्ञान चाहिए। सच ये नहीं है कि हाँ बस हम जानते बस ये संसार है हाँ परमात्मा है, नहीं, परमात्मा यथारथ क्या, हम यथारथ क्या, हमारे कर्मों का ये चक्कर यथारथ कैसे चलता है। तो यथारथ बातों को जानना, जो जैसी चीज है उसको यथारथ समझना, उसको कहा जाएंगे सच को जानना। जब तक मनुष्य यथार्थ बात को नहीं जानते हैं तो उनको सच थोड़ी कहेंगे। तो ये सभी चीजों को समझने का, इसीलिए यथार्थ नॉलेज, सच की नॉलेज सवाय परमात्मा के और कोई दे नहीं सकता। उसीलिए तो कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, क्योंकि ट्रुथ को जानने वाला वो है, उनके सिवाय और कोई सत्यता जान ही नहीं सकता। इसीलिए बताता भी वही है कि सत्यता क्या है, मैं कौन हूँ, तुम मनुष्य क्या हो, तुम मनुष्यों का ये कैसा चलता है। तो ये सभी चीजें समझने की है। इसीलिए अभी परमात्मा के द्वारा जिन बातों की रोशनी मिली है कि हम कौन है, अभी हमारा ये कौन सा टाइम है, वो अभी हम समझ कर करके फिर दूसरों को अपने अनुभव के आधार से समझाते हैं कि अभी ये टाइम कौन सा है, उसके टाइम के मुताबिक अभी क्या करना चाहिए। क्योंकि ये हम तो बातें भूल गए हैं ना, यही हमारे से भूल हुई है, इसी भूलने के कारण ही हम दुखी हो गए हैं, क्योंकि नहीं जानते, अपने को भी नहीं जानते हैं, अपने पिता को भी नहीं जानते हैं, और हमारा ये सृष्टि का चक्कर दिन और रात का कैसे चलता है इसको नहीं जानते हैं, इसीलिए हम दुखी हुए हैं। अगर अभी जानते हैं तो देखो अभी फिर अपने कर्मों को अच्छा बनाते हैं, जानने से ही कर्म अच्छा बनते हैं, नहीं जानने से हमारे कर्म अच्छे नहीं थे। तो ये सभी चीजों को समझना, इसलिए बाप कहते हैं कि इनके जानने से ही तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे और उस अच्छे कर्मों की फिर प्रारब्ध भी जरूर है कि अच्छी प्राप्त रहेंगी। तो अभी देखो ये है वो ज्ञान, ज्ञान बाकी ज्ञान का कोई मतलब ये नहीं है कि उसके लिए हम बैठ कर करके चार वेद पढ़े, 18 पुराण पढ़े, ये सभी जब शास्त्र ग्रंथ वेद पढ़े तभी हम ज्ञानी बने, नहीं, ज्ञान के लिए कोई शास्त्र का पढ़ कर करके ज्ञानी बनना नहीं। ज्ञान जो चीज है वो हमको यथार्थ अपनी और अपने पिता और इस सभी बातों की कर्म गति की नॉलेज चाहिए ना, तो उसकी नॉलेज तो सवाय परमात्मा के और कोई दे नहीं सकता। और वो बात देखो बाप जब भी बड़ समझाते हैं बड़ी सिंपल, वो थोड़ी कहते हैं इतने शास्त्र पढ़ो, इतने ये करो तभी तुमको ज्ञान प्राप्त होगा। वो तो ज्ञान क्या है, मैं बाप हूँ तुम बच्चे हो, ये खाली समझना है, और बाप है जैसा फिर बच्चों को भी ऐसा ही बनना है, मेरे द्वारा तुमको क्या प्राप्ति करनी है उसको समझ कर करके उसमें चलो, इसमें डिफिकल्टी क्या है, यहाँ इसके लिए व्यर्थ करके बहुत शास्त्र और ग्रंथ अध्ययन करना इनकी क्या बात है, तो कोई डिफिकल्टी नहीं है ना। तो ये सभी बैठ करके बाप समझाते हैं कि ज्ञान है कोई लंबी चौड़ी नहीं, परंतु हाँ भूले हो ना, ये भूल हो गई है तुम्हारे से, तुम मेरे रिलेशन को भूल गए हो, बाप को भुला दिया है,
और अपने को भी भुला दिया, इसीलिए अपने को भूल जो है उसको करेक्ट कर, बस ज्ञान इतना ही है अपनी भूल को करेक्ट करना। तो भूल हुई है एक ही भूल हुई है, जिसे हम सारे देखो दुखी हो गए हैं। और भूल कितनी है, बड़ी में बड़ी भूल अपने को भूल जाए कोई, व्हाट एम आई, किसे पूछे तुम कौन हो, वो कहे हमको पता ही नहीं है, तो उसको क्या कहा जाए। वैसे तो किसी से पूछेंगे भाई आप कौन हो, तो कहेंगे हाँ देखते नहीं हो मनुष्य है ना, हम कौन है फिर, क्या है, मनुष्य है। परंतु नहीं, मनुष्य क्या, मनुष्य किसको कहते हो, कौन मनुष्य, ये कहता कौन है। तो ये सभी चीजें यथार्थ समझनी चाहिए ना। वैसे तो देखो मनुष्य है, मरता है, बॉडी पड़ी है, फिर कौन सी चीज निकल गई, मनुष्य क्या है, मनुष्य वो जो निकल गया या ये बॉडी पड़ी है वो, किसको कहेंगे। तो कौन है क्या है, सभी बातों की यथार्थ नॉलेज चाहिए ना। बाकी ऐसे तो भैया मनुष्य है देखते नहीं हो, मनुष्य है, परंतु इतना ही तो परिचय नहीं है ना। परिचय हमको अपना यथार्थ होना चाहिए कि हम क्या चीज है, हम कौन है। तो अपनी चीज अपने को पता होने से कि मैं कौन हूँ, तो हमको अपने कर्तव्य और कर्मों का भी यथार्थ नॉलेज आएगा। इसीलिए बाप बहके अभी समझाते हैं कि असल में तुम कौन सी चीज हो, और तुम्हारी चीज तो जो तुम चीज हो वो उसकी पोजीशन कितनी ऊंची है। फर्स्ट आत्मा प्योर है ना, तो भले आत्मा हो परंतु आत्मा फर्स्ट प्योर है, पीछे इम्प्योर हुई है, ऐसे नहीं है पहले इम्प्योर है पीछे नहीं, पहले प्योर पीछे इम्प्योर हुई है, अभी फिर इम्प्योर से फिर प्योर बनने का, इसीलिए इम्प्योरिटी उसके ऊपर चढ़ी है। ओरिजिनल आत्मा की स्टेज प्योर है, ये इम्प्योरिटी पीछे चढ़ी है, इसीलिए अभी उसी इम्प्योरिटी को निकालो और फिर प्योर बनो। तो प्योर बनने से फिर तुम सुख को प्राप्त करेंगे। तो ये ज्ञान आने से ही तो ये हमारे कर्म में परिवर्तन आएगा ना, ये नॉलेज से होगा ना। अभी हम जानेंगे नहीं हम कौन है, हमारा क्या कर्तव्य है, तो कैसे बता देंगे। अभी जिस जिसकी देखो जो ड्यूटी है, भाई हमारा क्या काम है क्या है, उसका भी समझ होगी तभी तो करेंगे ना नॉलेज। भाई हमारा ये ड्यूटी है, मिनिस्टर है, हमारा क्या काम है, हमको कौन सा काम करना है, हम गवर्नर है, हमको क्या करना है, वो हर एक को अपना अपना नॉलेज होता है ना। डॉक्टर है उसको पता है मैं डॉक्टर हूँ, मुझे ये जिस्म कहाँ काटना कूटना या जो भी कुछ है उसको बनाना है, उनका इलाज देना है, वो सबको अपना अपना है। तो व्हाट एम आई, मेरा क्या कर्तव्य है अपने का भी मालूम होना चाहिए ना। वो मालूम ही ना हो बस चलते ही रहो तो उससे मनुष्य क्या कर सकेगा। मनुष्य इतना तो नहीं है ना, मनुष्य इसलिए तो नहीं कहना मैं डॉक्टर हूँ ये मनुष्य हूँ मैं इंजीनियर हूँ ये मन नहीं, वास्तविकता में हम कौन है, ये सभी बातों को जानना चाहिए ना। इतना ही तो परिचय, ये तो वह जिस्मानी परिचय बाहर का, ये भाई मैं डॉक्टर इंजीनियर बैरिस्टर, इतना ही तो नहीं है ना ऑक्यूपेशन। हमारा पहला फर्स्ट व्हाट एम आई, तो सेल्फ की नॉलेज चाहिए ना, जिसको सेल्फ रियलाइजेशन कहा जाता है। तो ये सभी बातों की यथार्थ नॉलेज भी होनी चाहिए, और उसी के नॉलेज को ही कहा जाएगा भाई ज्ञान। और यही ज्ञान न होने के कारण यही भूल है। तो ये भूल सारी दुनिया की है, सब इसी बात को भूले हुए हैं। यथार्थ रीत से कोई जानता नहीं है कि हम कौन है, तो कौन नहीं जानते तो फिर करना क्या है वो भी पता नहीं है। इसीलिए सबके रॉन्ग एक्शन होने के कारण मनुष्य दुखी और अशांत में है, इसी का ही कारण है दुख अशांत का। आज हमारी दुनिया दुख अशांत में है, यही है कि इसी एक भूल में है, सबसे भूल है, नहीं जानते हैं कि हम है क्या, हमें करना क्या चाहिए। अभी आकर के बाप यथार्थ रीत से समझा रहे हैं और उसी भूल को करेक्ट करा रहे हैं कि किस तरह से इस भूल को करेक्ट करो और समझ करके अभी उसी पर चलो। तो अभी तो सब जो आते हो रोज इस बातों को सुनते हो और समझते हो, उनके तो बुद्धि में आती है ना कि हम क्या है कौन है हमें क्या करना है। तो अभी उसी प्रैक्टिस में प्रैक्टिकल चलने का है, तभी हमारी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस से हमारे श्रेष्ठ कर्म बनेंगे। ऐसे नहीं खाली सुनने से नहीं आएंगे, प्रैक्टिकल एक्शंस को अपने में परिवर्तन में लाएंगे, अर्थात प्योरिटी को प्रैक्टिकल में लाएंगे। बाकी खाली सुनने से हमारा टाइम प्योर अथवा हमारा टाइम ये अच्छा पास हुआ या इसमें से हमने अपना कुछ सफलता पाई, नहीं, हम जब तक एक्शंस में न लाए तब तक हमारे में प्योरिटी आ नहीं सकती। तो ये है ही सारा अपने कर्मों के ऊपर आधार रखने की चीज, क्योंकि हमारा जो भी बुरा अच्छा बनता है और जिससे हम दुख अशांति पाते हैं वो सब कर्मों से। तो हमको फिर लाना भी तो कर्मों में, यानी अच्छी को भी हमको अपने कर्मों में लाना है। बाकी हमने सुना तो बस हम अच्छे हो गए, ऐसे तो नहीं है ना। यहाँ कोई देखने से
बस हम अब ऐसे हो गए, कोई डॉक्टर को देखने से डॉक्टर नहीं हो जाएगा या सुनने से तो खाली नहीं हो जाएगा ना, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस में आएगा तब डॉक्टर बनेगा। खाली बैठ करके लेक्चर से सुने तो क्या हुआ, प्रैक्टिस में आएगा, वो एक्शंस में लाएगा तब तो प्रैक्टिकल वो स्टेज प्राप्त कर सकेगा ना। तो ये भी चीज ऐसी है, इसको भी प्रैक्टिकल में प्रैक्टिस में लाना है। इसीलिए सबसे पूछा जाता है कि हाँ ये समझते हो और प्रैक्टिकल में ले आते हो, उनका प्रैक्टिकल एक्शन अपने में धारण करते जाते हो। तो ये देखो ये नॉलेज और ये जो पढ़ाई है, इसमें तो जैसे पढ़ाई होती है ना स्कूल में, हर एक बच्चे को देखा जाता है बरोबर ये पढ़ता है, इसके बुद्धि में बैठता है, ये समझता है, प्रैक्टिकल धारण करता है, तो एक एक स्टूडेंट को देखा जाता है। ऐसे नहीं खाली आए सुने हाँ नहीं, इसीलिए इसको स्कूल कहा जाता है, इसको कॉमन सत्संग नहीं कहा जाता है। जैसे आए कहीं बस सुना फिर चले गए, किसी ने समझा न समझा, वो समझेंगे अच्छा हमने घंटा आधा पास किया, हमारा भी अच्छा हो गया और हमने दर्शन किया बस काम हो गया, ऐसी बातें नहीं है, ऐसे होता नहीं है कुछ। ये एक भावना बहुत काल की बनी आई है ना, इसीलिए मनुष्य बेचारे उसी अंधश्रद्धा में चलते रहते हैं, इसको कहेंगे अंधश्रद्धा, ब्लाइंड फेथ। परंतु नहीं, यहाँ तो कोई ब्लाइंड फेथ में नहीं बिठाना है, नहीं बस इतना ही तुम फेथ रखो, दर्शन किया या दो वचन सुना तो काम हो गया, नहीं, ब्लाइंड फेथ से निकालना है। अभी अपने को सच सच अपने को रियलिटी को जान कर करके उसी एक्शंस में आना है। इसीलिए यहाँ प्रैक्टिकल एक्टिविटी के ऊपर सारा मदार है और इसीलिए उसी पर जोर दिया जाता है कि अपने एक्शंस को परिवर्तन में लाओ। देखो पूछते हैं ना, इसीलिए पूछते हैं कि कैसे पवित्रता को धारण करते हो, अपने में परिवर्तन महसूस करते हो, ये फाइव वाइसेस जो है वो अपने में समझते हो कि उसमें चेंज आती जाती है, नहीं आती है तो फिर उनका फिर इलाज लेना चाहिए, वो रिपोर्ट करेगा बताएगा तभी तो पता चलेगा ना। ऐसे नहीं है कि बस यहाँ अपने आप जानी जानन आ रहा है जानते रहेंगे ना, ये पढ़ाई है उसमें तो जैसे कोई कम होता है किसी सब्जेक्ट में तो फिर उसको टीचर को पता भी रहेगा ना, वो देखेगा, तो हर एक के ऊपर रहती भी है, हर एक का स्टूडेंट्स का भी काम है सब अपना देना कि हमारी क्या वीकनेस है, फिर उसको उसके ऊपर सावधानी मिलेंगी, शिक्षा मिलेंगी और उसी शिक्षाओं से फिर आगे बढ़ते चलेंगे। तो अपने प्रैक्टिकल अपने में देखना चाहिए कि हमारे में चेंज आई है, नहीं आई है तो समझना चाहिए कि अभी तक हम कहाँ भूले हुए हैं, तो फिर उस भूल को करेक्ट करना चाहिए, तभी हम अपना कुछ लाभ जिसको कहें और प्रैक्टिकल लाइफ जिसको बनाना कहें बना सकने में समझे तो हमने कुछ पाया है, नहीं तो बाकी ऐसे ही नहीं बसा समझ बैठने से कुछ हो जाएगा प्रैक्टिकल में आने से। और प्रैक्टिकल एक्शंस वाला कोई छिप नहीं सकता है, जो एक्शंस में है अच्छे तो उनका सबूत तो बाहर आता है, उसके एक्शंस कोई छिपने वाली तो चीज नहीं है ना, बुरा कोई करता है तो भी प्रत्यक्ष हो जाते हैं, अच्छे का अच्छा भी प्रत्यक्ष हो ही जाता है। तो इसीलिए अपने सारा प्रैक्टिकल के ऊपर दारोमदार है, इसीलिए उस प्रैक्टिकल लाइफ का पूरा अटेंशन रखते और अपने कर्मों को स्वच्छ बनाते चलना है। बाकी तो अभी पता चला है नहीं, भूल कौन सी रही, किस भूल को करेक्ट करना है, वो तो अभी बुद्धि में बात आई है, उसी बातों में तो जो रोज आते हैं उसको कोई मूंझने की अभी बात नहीं रही होंगी कि हम कौन है, हमारा पिता कौन है, हमें बाप से क्या, एम एंड ऑब्जेक्ट अभी बुद्धि में पूरी है और होनी चाहिए, तब तो पुरुषार्थ भी चलेगा ना। अगर एम नहीं होगी हमको क्या बनना है तो हम क्या पुरुषार्थ करेंगे, तो एम चाहिए। सत्संग कामन जो है उसमें कोई एम नहीं है, वो खाली समझते बस जाना है, दो वचन सुनना है, बस उसी से ही काम हो गया। परंतु नहीं, ये पढ़ाई है, नॉलेज है, जैसे स्कूल में जाते हैं भाई हमको इंजीनियर बनना है, एम है ना, तो एम पर चल कर करके हमको वो स्टेटस प्राप्त होने का होती है। तो सत्संग में कोई एम नहीं है ना, खाली समझते इसे हम मुक्त जीवन मुख हो जाएंगे, ऐसे सुनते सुनते यहाँ ये शास्त्र ग्रंथ पढ़ते पढ़ते बहुत मुक्त हो गए ऐसे समझ बैठे हैं और हम भी हो जाएंगे, हुए या न हुए या क्या होने का है उन सब बातों का पता होना चाहिए नहीं यथारथ। तो ये सभी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में परिवर्तन और प्रैक्टिकल हमारे में वो प्रैक्टिस आती जाती है उसे पता चलेगा नहीं, हम अपने जीवन से महसूस करते हैं ना भाई हमारी आगे क्या जीवन थी अभी क्या जीवन है, फर्क आता जाता है तो समझते हैं पर फायदा पड़ता जाता है। बाकी ऐसे नहीं हम जाके ज्योति समाएंगे हो जाएगा बस यहाँ ऐसे के ऐसे नहीं, तो ये सभी प्रैक्टिकल लाइफ में आना चाहिए, यहाँ ही परिवर्तन आना चाहिए ना।
तब फिर उसी के आधार से हम समझेंगे कि हमारा भविष्य भी उस आधार से ऊंचा बनता जाता है। तो ये सभी बातें अच्छी तरह से रखने की है बुद्धि में, और प्रैक्टिकल अपने धारणाओं को भी धारण करते और आगे बढ़ने का है। अच्छा, 2 मिनट साइलेंस। लेकिन बाप कहने से सिर्फ आप बाप तो कॉमन बात हो जाती, बाप का नाम भी चाहिए ना। तो एक ही है परम आत्मा, जिस आत्मा के ऊपर नाम है शिव, निराकार के ऊपर नाम है ना, कोई शक्ल वाला तो मनुष्य तो नहीं है ना। तो एक आत्मा, बाकी आत्माओं के ऊपर जब शरीर लेती है आत्माएं तभी नाम पड़ता है। देखो भाई शिवाराम फलाना फलाना, हाँ ये सभी नाम, तो शरीर लेते हैं फिर नाम होता है, नहीं तो कामन तो कहेंगे सब आत्मा। आत्मा के ऊपर नाम क्या है, आत्मा आत्मा ही कहेंगे। लेकिन वही एक परम आत्मा है जिसका नाम है शिव, तो वो आत्मा के ऊपर नाम है शिव। बाकी हम सब शरीरधारियों के ऊपर शरीर के, देखो शंकर है तो भी आकारी शरीरधारी है, ब्रह्मा विष्णु राम अथवा श्री नारायण तो भी शरीरधारी है ना। बाकी एक ही है निराकार परमात्मा जिसके ऊपर क्यों नोगो नहीं दिया क्या, हाँ ले 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 आप ही पूजा, आप ही पुजारी लियो। तो एक ही है बाप जिसके आत्मा के ऊपर नाम है, बाकी हम सब मनुष्यों का शरीरधारियों के ऊपर नाम, तो उनका नाम शिव है। कहीं ऐसे समझते हैं कि निराकार परमात्मा तो सबका पिता है, नहीं तो शिव नाम तो भारतवासियों का है, तो वो तो सबका पिता है, नहीं दूसरे देश वाले उसको शिव नाम से कैसे समझेंगे, ऐसे कई क्वेश्चन उठाते हैं। पर तो ये भी समझने की बात है कि परमात्मा यहाँ आए हैं, नहीं निराकार परमात्मा आए कहाँ है, भारत में आए हैं, वहाँ आकर करके इसने नॉलेज दिया है, ये कर्तव्य किया है, इसीलिए नाम भी जो पड़ा है तो भारतवासियों का पड़ेगा नहीं। जैसे शरीर भी भारतवासियों का लिया है तो नाम भी जो है उनके कर्तव्य का ऊपर, तो इधर इधर ही पड़ा है नहीं, तो इसीलिए यहाँ का नाम है। और भारत में उसका जन्म स्थान है, यानी परमात्मा का अवतरण भारत में हुआ है, ऐसे नहीं दूसरे देशों में परमात्मा, क्योंकि ये भारत अविनाशी खंड है। तो ये सभी चीजें भी समझने की हैं, इसीलिए परमात्मा को शिव नाम डाला हुआ है, तो भारतवासी डालेंगे ना भाई, शिव का अवतरण तो भारतवासियों का ही नाम पड़ेगा। तो अभी कृष्ण पक्ष का अभी लास्ट टाइम है, अभी फिर शुक्ल पक्ष चलने का, तो चलना है ना उसमें। तो अभी कृष्ण पक्ष यानी अंधियारा मार्ग अभी का अभी टाइम बहुत थोड़ा है, अब लगाना तो सेटिंग उसमें ही है। ये सभी चीजों को समझ करके अभी अपना पुरुषार्थ रखो। अच्छा टाइम हुआ, 2 मिनट साइलेंस। साइलेंस का मतलब आई एम सोल, फर्स्ट साइलेंस, पीछे टॉकी में आते हैं है? अब बाप कहते हैं फिर चलो साइलेंस वर्ल्ड, तो हमारा आखिर साइलेंस शांति अपना स्वधर्म है आत्मा का। अब फिर साइलेंस में चलने के लिए कहते हैं इस देह का, और देश है देह के संबंधों की अभी अटैचमेंट छोड़ो, उससे डिटैच हो जाओ, और फिर अभी मेरे से लगाओ, और सन ऑफ सुप्रीम सोल अब मुझे याद करो, और मेरे धाम में आओ। मेरा धाम कौन सा, तेरा भी वही है लेकिन तू भूल गया है, इसलिए अभी अपने धाम को याद करो। साइलेंस का मतलब ये है, इसलिए ऐसा साइलेंस में बैठने का है, अर्थात निरंतर अपने को ऐसी अवस्था में रखना है। आई एम सोल, परंतु नॉट ओनली सोल, साइलेंस सोल अथवा फर्स्ट प्योर सोल, तो सोल के साथ आई एम फर्स्ट प्योर सोल वो भी ख्याल में रखने का है कि आई एम फर्स्ट प्योर, तो नॉट ओनली सोल बट प्योर सोल, और प्योर सोल फर्स्ट साइलेंस थे, पीछे यहाँ प्योर सोल, फिर टाकी में भी आए तो प्योर सोल भी और बॉडी भी प्योर। अभी बाप कहते हैं तो अभी तो तुमको चलना है वहाँ, पीछे आएंगे पीछे, तो अभी चलने का ध्यान रखो, अभी आने का नहीं ख्याल करो, अब चलने का तो आने का नहीं अभी ख्याल करना है, पीछे आएंगे प्योर होकर करके, प्योर सोल भी बॉडी भी प्योर मिलेगी तुमको, परंतु अभी तो चलना है ना, तो अभी तो चलने का ख्याल करो, अंत मत्ते सो गते।
तो ऐसी गति को पाएंगे। अभी चलने का ख्याल करें, इसलिए चलना है तो डिटैच होके चलना है, अभी कोई भी अटैचमेंट नहीं, वो प्योर शरीर और प्योर उसकी भी अटैचमेंट नहीं। अब तो शरीर की अटैचमेंट छोड़ दो, अभी रखो वो बुद्धि में, तो ऑटोमेटिक है कि तुमको प्योर को प्योर मिलेगा, शरीर भी मिलेगा वो भी मिलेगा, समझा। तो ऐसी अपनी धारणा बनाने की है। अच्छा अब बैठो साइलेंस में, ऐसा नहीं खाली थोड़ा टाइम, ये फिर प्रैक्टिस हर वक्त रखने की, चलते भी साइलेंस, आप बोलते, आप बोलते भी साइलेंस, बोलते कैसे साइलेंस होती है मालूम है, हाँ बोलते हमको बुद्धि योग अपने उसी आई एम सोल फर्स्ट प्योर सोल अथवा साइलेंट सोल, तो ये याद रखना, ये माना हम बोलते, देखो अभी आपसे बोल रहे हैं ना, लेकिन बोलते भी हम अगर उसी याद में है तो आई एम साइलेंट, और बोलते हैं तो हमारे में ये नॉलेज होना रहना है उसी टाइम में कि आई एम अभी यहाँ सोल इस ऑर्गन से बोलते हैं, टॉक करते नहीं तो फर्स्ट आई एम साइलेंट, अभी चलो बोलना है, इन्हों को समझाना है तो बोलो, ऑर्गन का आधार लेकर के हम बोलते हैं, नहीं तो हम फर्स्ट आई एम साइलेंट नहीं बोलते हैं अभी, हाँ तो साइलेंट बस ऑर्डर, अभी यहाँ करते हैं इसको मुख से बोलो, हाँ अपने को हम बोलते हैं, सुनते हैं और करते हैं, नहीं तो बस अच्छा नहीं तो नहीं बोलते हैं। तो ये अपना प्रैक्टिस होनी चाहिए, जैसे हम इसका आधार लेकर के बोलते हैं, ना आधार लें तो चलो साइलेंस में, अच्छा कान का आधार खाली लेते हैं सुनते हैं, चलो आंखों का आधार लेते हैं देखते हैं, तो जिसकी जरूरत है उसका आधार लेकर के काम करते हैं, और क्या, ऐसा काम में रहने से खुशी रहेंगे और कोई ऐसा बुरा काम नहीं होगा अगर इसी प्रैक्टिस और इसी सभी बातों से रहेंगे तो। अच्छा।